हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू द फ्रेंड्स। आज हम लेके आए साधारण यानी सिंपल इंटरेस्ट में दो क्वेश्चन लेके आए हैं। इसको हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से शॉर्ट समय में इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बनी रहे, पूरी वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पहला है, 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चार वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। हाँ दोस्तों, इतना रुपये का 4 वर्ष में कितना होगा। तो दोस्तों आइए इसको हम पहले इसको हम हल करते हैं। हल पहले इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर। हाँ दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मूलधन कितना है 500 रुपया और समय कितना है 4 वर्ष और दर कितना है 5% बटे 100। फ्रेंड्स अब देखिए, देखते हैं ऊपर में 2 शून्य है और नीचे 2 शून्य कट गया, इसको गुना करेंगे 5 × 20, 20 × 5 = 100। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए में होता है। इसी को क्विक विधि से बनाएंगे तो फ्रेंड्स तो मूलधन कितना है 500 का 4 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0 कट गया, 5 × 5 = 20 = 100। यानी कि इससे भी हमारा ये होगा। यहाँ एक नंबर और दो तरीके से बताए। अब दूसरा फ्रेंड्स, 14,500 रुपया पर 3% फ्रेंड्स। अब दूसरा है 14,500 रुपया पर 3 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से 3 मास का साधारण ब्याज क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको हम पहली विधि बनाते हैं। इसका सूत्र लिखेंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अब यहाँ मूलधन कितना है 14,500 रुपया, 14,500, समय 3 मास, दर 3 पैसे बटे 100। अब क्या करें फ्रेंड, नीचे का 2 शून्य ऊपर का 2 शून्य काट देंगे और क्या करेंगे, अंश को गुना करेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 5 हासिल 4, 9 × 36 = 40, 40 × 0 हासिल 4, 9 × 4 = 13। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी होता है। फ्रेंड्स इसी को हम शॉर्ट ट्रिक में बनाएंगे क्विक विधि से। क्या करेंगे, 14,500 × 3 × 3, अब दोनों शून्य कट गए, इसको भी करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45 हासिल 4, 9 × 36 = 40, 40 × 0 हासिल 4, 9 × 9 = 9, 4 = 13। इस विधि से भी इसका डी आंसर होता। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लगी लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल पर प्लीज बेल बटन ऑल करना न भूले। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए।